हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चना चाट बनाने वाले हैं। ये चना चाट इतनी टेस्टी बनने वाली है कि यदि आप इसे बनाएंगे तो आपके घर में जब भी चने आएंगे आप सब्जी नहीं चना चाट ही बनाएंगे। ये चने मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह इसे कुकर में डालकर एक चम्मच नमक और चुटकी भर सोडा हमें डालनी है और चने से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर एक सीटी तेज आँच पर और दो सीटी धीमी आँच पर हमें भजानी है। यहाँ मैंने प्याज काट लिया है बारीक, टमाटर बारीक काट लिया है, हरी मिर्च, इसके साथ मैंने शिमला मिर्च भी ली हुई है और यहाँ थोड़ा सा मैंने अदरक बारीक काटा हुआ है और यदि आप चाहें तो नींबू भी। अब हमें कढ़ाई में तेल डालना है। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें एक चम्मच जीरा डाला है मैंने। अब सारे चने डाल देने हैं इसमें। इसके बाद यहाँ थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच नमक मैंने डाला है और यहाँ डेढ़ चम्मच के बराबर मैंने जलजीरा डाला है। यदि आपके पास चाट मसाला हो तो आप वह डाल सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला नहीं है इसलिए मैंने यहाँ जलजीरा डाला है। यदि किसी को शिमला मिर्च और अदरक पसंद नहीं है तो ये चने रेडी थे, लेकिन यहाँ मैं शिमला मिर्च और अदरक से इसे बघार रही हूँ। तेल में जब जीरा सुनहरा हो गया तब मैंने अदरक डाला है। जब अदरक थोड़ा सिक जाए तब हमें इसमें हरी मिर्च डाल देनी है और इसे थोड़ी देर चलाना है। फिर इसमें हमें शिमला मिर्च डाल देनी है और यदि चाट में अदरक और शिमला मिर्च ऐड कर दी जाए तो इसका टेस्ट बहुत बहुत बढ़ जाता है। अब हमें इसमें चने डाल देने हैं और बस 2-3 मिनट इसे हमें भूनना है। इसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है और इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है। बर्तन में निकाल लेने के बाद जो हमने नींबू लिया हुआ था वो इसमें हमें निचोड़ देना है और हमें चने को थोड़ा मैश कर लेना है। इससे ये खाने में और भी अच्छे लगते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च हमें डाल देनी है बारीक कटी हुई, प्याज डाल देना है, इसे भी हमने बहुत बारीक काटा हुआ है, इसके साथ हमें टमाटर डाल देना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मेरे पास खजूर और इमली की बनी हुई चटनी है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें खटाई के लिए नींबू और दही पड़ता है लेकिन इस चटनी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे दही डाल रहे हैं, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी मेरी। दही, चटनी, नींबू, इन सब से टेस्ट तो बढ़ ही जाता है और एक गीलापन आ जाता है जिससे खाने में और अच्छी लगती है। बस इस पे बारीक सेव डालनी है, हरा धनिया डालना है और मज़े लेकर इसे खाना है। तो आज की ये चाट की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।